कैसे हैं आप सब? तो गाइस अभी हम निकल रहे हैं एक छोटी सी राइड के ऊपर और हमारे साथ हैं हमारे अजय भाई। और गेस करो हम जा कर रहे हैं, अपनी धनों को लेके जा रहे हैं गाइस एक शॉर्ट राइड के ऊपर। और ये व्लॉग होने वाला है एक डेस्टिनेशन वेडिंग वेन्यू के ऊपर, और जो कि मैं पूरा एक्सप्लोर कराऊंगा आपको इस वीडियो के अंदर। लो जी, तो निकलते अपनी लाडो को लेके यहाँ से और करते हैं इसका वार्म अप। 2 मिनट वार्म अप पे लगाते हैं और तब तक मैं इसको निकालता हूँ बाहर। लो जी, तो फाइनली गाइस निकल गए हैं और सीधा यहाँ से जा रहे हैं हम लोग ITC ग्रैंड भारत, जो कि एक अमेजिंग डेस्टिनेशन वेडिंग प्रॉपर्टी है गाइस। और आज आपको मैं उसका पूरा एक्सप्लोर कराऊंगा कि कैसी बनी हुई है। और अगर आपको बताऊं ना कि इंडिया की लार्जेस्ट लग्जरियस वेडिंग कहाँ होती है, तो वो गाइस इधर ही होती है ITC ग्रैंड भारत के अंदर, जो कि गुड़गांव के ना आउटर साइड पे बना हुआ है पूरा। साहब क्या तगड़ा ही ट्रैफिक लगा हुआ है, यहाँ से तो निकलना मुश्किल हो जाएगा। वर्किंग आवर्स पे इतना गंदा ट्रैफिक लगता है ना, जिसकी कोई हद नहीं। देख रहे हो कहाँ तक है ट्रैफिक। चलो हमें तो बस थोड़ा सा और आगे जाना है और हाईवे पकड़ना है, तो फटाफट हाईवे पकड़ते हैं जल्दी से। लो जी, तो फाइनली चढ़ गए हम हाईवे। कुछ खाओ, हाईवे ये वाला ना बहुत अमेजिंग बना, मतलब दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे वाला ना। यहाँ पे टोल भी आ गया, तो यहाँ पे टोल और लगना स्टार्ट हो जाएगा हर गाड़ियों का। इस हाईवे देख रहे हो कितना बढ़िया बन चुका है, और यहाँ पे देखो कितनी बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स बन रही है। तो ठीक है, गुड़गांव वालों के लिए बहुत अच्छा हो गया, मतलब द्वारका एक्सप्रेसवे एक नंबर बना दिया है। कोई ट्रैफिक नहीं, कोई जाम नहीं। जितना अंदर गुड़गांव में जाते हैं ना, इतना ट्रैफिक मिलता है पूछो मत। एक एक घंटा लग जाता है, और यहाँ से हमें दिखा रहा है अराउंड 40 मिनट्स। तो 40 मिनट्स में हम अपने ITC ग्रैंड भारत में, और वहाँ की लोकेशन एक नंबर गाइस, एक नंबर, अति सुंदर जिसे बोलते हैं ना। आप भी देख के खुश आ जाओगे कि यार कहाँ ले आया अनमोल। और आप थोड़ा सा हाईवे का व्यू इन्जॉय करो, कितना मस्त व्यू है। गवर्नमेंट के पास ना ज़्यादा पैसा आ गया, आप देख रहे हो जितनी भी सारी स्ट्रीट लाइट्स है ना, सारी जल रही है। और रात के टाइम जलती नहीं है, और दिन के टाइम जल रही है, बताओ। और थोड़ा सा ये व्यू चेक करो गाइस, आपको ये व्यू कैसा लग रहा है, बहुत ही अति सुंदर। अभी ये वाले भैया आ रहे हैं ना, इनसे पूछते हैं क्या हुआ है, शायद आगे शायद रोक रहे हैं, समझ नहीं आ रहा क्या हुआ है। पुलिस वाले खड़े हैं, हाय राम, अब बताओ क्या करें, वापस यू टर्न मारे इतनी दूर के लिए। तो गड़बड़ी हो गई, पुलिस वाले खड़े आके हैं, अलाउ नहीं है भाई, शायद मेरे ख्याल से अलाउ नहीं है इसके ऊपर। लें फिर वापस, नीचे से लेना पड़ेगा। सही बात, पुलिस वालों को तो चलान काट देंगे तगड़ा। चलो फिर वापस मोड़ते हैं, रॉन्ग साइड जाना पड़ेगा। शिट यार, ये वाला पंगा भी हमारे साथ ही क्यों होते हैं सारे कांड। अरे भाई साहब, यहाँ से रॉन्ग साइड लेना पड़ेगा इतनी दूर तक के लिए, ये तो पंगा ही हो गया। चलो कोई नहीं, देखते हैं अब जो है। तो गाइस हमें ना गूगल मैप फॉलो करने की ज़रूरत नहीं है, हमारी आगे टीम जा रही है तो हमें वही बता देगी। बट ये यहाँ कहाँ जा रही है, मेरे को तो आगे से दिखा रहा है। अबे यार, इन्होंने गली में कहाँ ले लिया, पहले पूछ लूँ। एक्चुअली हमारी ना गाइस दो साइट है, तो शायद वहाँ तो नहीं जा रहे। कहाँ जा रहे हैं, ITC जा रहे हैं, सुनहरी बाग। अच्छा देखा, मुझे लगा ITC जा रहे तू, मैंने इसके पीछे ले लिया। शिट यार, आगे वाला कट लेना था हमें, मुझे लगा ही था कि शायद मैंने गलत ले लिया इनके पीछे। भाई साहब क्या तगड़ी बिल्डिंग है, अराउंड होंगे इसमें 30 फ्लोर तो कम से कम गाइस, मतलब कितनी शानदार लग रही है, मैं आपको क्या ही बताऊं। कोई नहीं, जल्दी यहाँ पे घर लेंगे गाइस हम भी, जल्दी टाइम आएगा हमारा, डोंट वरी, आते हैं आपके पास। लो जी, तो हाईवे को बोल दिया हमने बाय बाय, और हाईवे से नीचे उतर के गाइस हमको यहाँ से इस गली में अंदर लेना है, और अराउंड 10 किलोमीटर ये गली वाला रास्ता आएगा, क्योंकि गाँव में जाके गाइस एक ये मतलब ऑन हाईवे नहीं है ये प्रॉपर्टी, तो यहाँ से हमें अंदर लेना है। ये कौन सा गांव, नौरंगपुर है गाइस ये वाला गांव। तो आपको यहाँ से अंदर गली में लेना है। अब वन वे रास्ता मिलेगा गाइस आपको यहाँ से 10 किलोमीटर का कम से कम।
देख रहे हो गाइस, 5 किलोमीटर चलने के बाद आपको किस तरीके का व्यू मिलेगा। मतलब बहुत ही शानदार पहाड़ मिलेंगे आपको यहाँ पे, जो कि है अरावली हिल्स। आप पे अभी और थोड़ा सा पास जाते हो और आपको पास का व्यू दिखाता हूँ ज़रा पहाड़ों का। तो पहाड़ देख रहे हो गाइस, ये रे पहाड़ और उस तरफ भी पहाड़ हैं। अभी बस बैरिकेडिंग क्रॉस करके फिर आपको दिखाता हूँ। ये देख रहे हो कैसे चट्टानें बनी हुई है। ये वैसे वाले पहाड़ नहीं है नॉर्मल, ये चट्टान वाले, बिकॉज यहाँ पे होती थी पहले माइनिंग। ये रहे आपका पूरा अरावली व्यू। पता नहीं गोप्रो कैच कर पाएगा नहीं कर पाएगा, बट व्यू तो बहुत अमेजिंग आ रहा है ये वाला पूरा, देख रहे हो। तो यहाँ पे आके फील ही आपको लगाएगी कुछ। इस रोड का मजा लो गाइस, कितनी प्यारी ग्रीनरी है। साइड में ग्रीनरी, यहाँ ग्रीनरी, उधर पहाड़, उधर पहाड़। आपको लगेगा ही नहीं कि मैं गुड़गांव में कोई डेस्टिनेशन वेडिंग करने जा रहा हूँ। इतना प्यारा व्यू, मतलब आपका दिल खुश कर देगा। यहीं से आपका दिल खुश हो जाएगा कि आपको लगेगा हाँ यार, कोई एक्चुअल में कोई अच्छी जगह है, कि हम अच्छी जगह पे कोई जा रहे हैं। देख रहे हो गाइस, अब आपको लगेगा कितना प्यारा व्यू है। ये रही चट्टाने और ये हमारी लाडो कितनी स्मूथली चल रही है। बस यहाँ से अराउंड दिखा रहा है 3.5 किलोमीटर, तो 3.5 किलोमीटर में पहुँचने वाले गाइस। यहाँ से आपको बोर्ड दिख जाएगा कि ये लिखा ITC ग्रैंड भारत अ लग्जरी कलेक्शन रिट्रीट। तो यहाँ पे हमें इस रोड पे जाना है और यहाँ से अराउंड आ गया। बस थोड़ा सा जाते ही आप लेफ्ट लेते ही आ गया। देख रहे हो गाइस, पहाड़ी पहाड़, ये रे पहाड़। फाइनली पहुँच गए पूरी सामने प्रॉपर्टी, और यहाँ से हमें अंदर गली में होना है। लो जी, आपको कुछ इस तरीके का गेट मिलेगा यहाँ पे गाइस, और इसके बाद आपको वेन्यू दिख जाएगा। क्या कह रहे हो एस? क्या नमस्ते जी। नमस्कार सर, हमारा रूम है सर अंदर आज। ओके सर, गुड मॉर्निंग। अनमोल ओब्रॉय, अपना तिरंगा देख रहे हो कितना प्यारा लग रहा है। आज थोड़ी हवा कम चल रही है, अदरवाइज तो बहुत प्यारा लगता है। ऐसे लहराता है ना तो कितना प्यारा लगता है। रॉयल इनफील्ड हिमालयन, ये देखो यार, हम बाइक चला रहे हैं कैसे? दोनों जन चला रहे हो? अरे हाँ जी, एक ही टीम से है। ठीक है भैया, खोल दो। आप आओगे व्लॉग में? लो जी, हमारे साथ साथ हमारे टीम भी पहुंच चुकी है। जो तो पार्किंग ही नहीं समझ आ रही कहाँ पे है। यहीं पे कर दूँ सब पार्क? ठीक है, थैंक यू। चलो जी, लो जी पहुंच गए होटल के अंदर, पार्क करते अपनी बाइक को। सॉरी गाइस, रूम की हमने चेकिंग कर ली है और अभी मैं आया हूँ साइट के ऊपर। तो मैं आपको साइट का पूरा ब्रीफ देता हूँ कि हम कौन से वेन्यू पे क्या कर रहे हैं। तो गाइस, अगर यहाँ की बात करूँ ना, आप ये वाला एरिया देख लो, ये इनका बैंकेट के साथ अटैच एरिया है। तो यहाँ हम प्लान कर रहे हैं कॉकटेल का फंक्शन, संगीत नाइट है प्रॉपर। तो यहाँ पे हमने जो प्लान करा है गाइस, यहाँ से हम एंट्रेंस दे रहे हैं इस एरिया से, एंड यहाँ से एंट्रेंस करके सामने हमारा फोटो बूथ एंड देन बैंकेट का एंट्रेंस। और ये जो आप एरिया देख रहे हैं ना, यहाँ ये पूरा कवर हो जाएगा और यहाँ पे आ जाएगा इनका पूरा फूड एरिया। तो इस तरीके से यहाँ पे ये प्रॉपर प्लान होता है। ये साइडों से पूरा वॉल मास्क हो जाएगा और उसके बाद यहाँ से एंट्रेंस होगी ऊपर से ही। ये हम जॉइंट में रखेंगे ताकि यहाँ पे लोग इजिली आके डाइनिंग कर सकते हैं अपना खाने का। यहाँ से अंदर चलते हैं गाइस, और अंदर चल के ये आपको यहाँ पे मिलेगा प्री डाइनिंग एरिया, जहाँ पे आप इजिली आराम से अपनी चाट्स वगैरह, कॉफ़ी वगैरह, टी कॉफ़ी, चाट्स वगैरह यहाँ पे रहती है। प्रॉपर आपका बुफे रहता है, एंड देन ये आपका प्रॉपर बैंकेट हॉल है। तो बैंकेट हॉल बिल्कुल सही है। यहाँ पे हम प्लान कर रहे हैं पूरा एक लाउंज का। सामने आ रहा है एंटरटेनमेंट स्टेज, वहाँ पे आ रहा है हमारा बार। तो बाकी तो एक बार सेटअप लगने के बाद फिर मैं आपको प्रॉपर दिखाता हूँ कि यहाँ पे कैसे लुक निकल के आता है। गाइस, यहाँ से ये कुछ इस तरह की एंट्रेंस, आप देख रहे हो कितना ही ग्रैंड है ये। यहाँ से आपकी एंट्रेंस है और यहाँ से अंदर चलते हैं, अपना रूम लेते हैं और चेक इन कराते हैं।
और प्रॉपर्टी एक नंबर है गाइस, ये वाली इतनी लग्जरी। तो यहाँ से एंट्रेंस कर रहे हैं। रेस्टोरेंट एरिया देख रहे हो कितना प्यारा बना हुआ है। ये इनका रेस्टोरेंट एरिया जहाँ ब्रेकफास्ट वगैरह सब होते हैं ना पूरा। का वॉशरूम देख रहे हो गाइस कितना लग्जरी वॉशरूम है, पूरी लग्जरी फील आ रही है यहाँ पे। तो गाइस अगर टाइम की बताऊँ तो देख रहे हो बिल्कुल एग्जैक्ट 1 बज गया इस टाइम पे, और बस अभी साइट पे ही हूँ मैं और बस अब जा रहा हूँ सोने के लिए। और एक बार जाते जाते बस एक बार आपको काम दिखा देता हूँ कि पूरे दिन में हुआ क्या काम। अगर यहाँ की बात करें ना गाइस तो ये पूरा स्ट्रक्चर बन गया, बस ऊपर बांस लग रहे हैं और ये वाला स्ट्रक्चर भी हमारा ऑलमोस्ट एंट्री गेट का खड़ा हो गया। तो यहाँ पे भी बस पास का चाला बनना पूरा, तो ये भी बन जाएगा। एक सामने हमारा फ़ोटो बूथ बनना रहता है तो वो भी फ़ोटो बूथ बन जाएगा पूरा। बस यहाँ का एक स्ट्रक्चर रह गया हमारा और ऑलमोस्ट अंदर से भी हमारा कंप्लीट हो गया, सिर्फ स्ट्रक्चर का स्ट्रक्चरल पार्ट हमारा कंप्लीट हो गया अंदर से। तो यहाँ पे भी ये लाउंज की ट्रस लग गई, सामने एंटरटेनमेंट स्टेज की ट्रस लग गई और ये वाली हमारी बार की ट्रस। तो ऑलमोस्ट सेटअप ये वाला स्ट्रक्चर का ये भी कम्प्लीट हो गया। और गाइस इसके साथ साथ ना हमारा हल्दी का सेटअप भी पूरा कंप्लीट हो जाएगा। तो गाइस मैं इस व्लॉग को ना यहीं पे एंड कर रहा हूँ। तो आपको कुछ भी अच्छा लगा, कुछ भी बुरा लगा तो प्लीज़ कमेंट करके मुझे जरूर बताना। तो एक लाइक कमेंट कर देना। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई व्लॉग।